स्टूडेंट्स, जुलाई का मंथ कंप्लीट हो चुका है और अगस्त मंथ में आईएलएस में तीन बड़े चेंजेस आने वाले हैं। उन सभी चेंजेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइटिंग मॉड्यूल से। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको सबसे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, ये 6 जुलाई को एग्जाम हुआ था एकेडमिक का और उसमें ये आपको बार चार्ट देखने को मिला था। और ये जो बार चार्ट था, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, ये कंपैरेटिव चार्ट था। उसी प्रकार से अगर मैं 11 जुलाई की बात करूँ तो उसमें एकेडमिक राइटिंग में पाई चार्ट आया था और ये कंपैरेटिव चार्ट था। 20 जुलाई की बात करें एकेडमिक राइटिंग में तो ट्रेंड पाई चार्ट आया था। और लास्ट एग्जाम जो कि 27 जुलाई को हुआ था, उसमें दोबारा से कंपैरेटिव पाई चार्ट देखने को मिला। तो आपने कुछ नोटिस किया? अगर नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, ये चीज पहली बार हो रही है कि लगातार तीन एग्जाम में आपको पाई चार्ट देखने को मिले। आप देखिए, यहाँ पर 27 जुलाई को ये वाला पाई चार्ट देखने को मिला, उसके बाद 20 जुलाई की बात करें उसमें भी ये पाई चार्ट देखने को मिला, और 11 जुलाई वाले एग्जाम में भी पाई चार्ट देखने को मिला। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो 4 एग्जाम हुए हैं आपके सामने, ये 6 जुलाई वाला कंपैरेटिव चार्ट था, 11 जुलाई वाला कंपैरेटिव चार्ट था, 20th वाला ट्रेंड चार्ट था, और जो अभी रिसेंट लास्ट एग्जाम निकल कर गया वो भी कंपैरेटिव चार्ट था। और लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है कि इस मंथ में कोई भी डायग्राम या मैप बिल्कुल नहीं आया है। नहीं तो जनरली कोई ना कोई डायग्राम या मैप हमेशा मंथ में एक बार तो आता ही आता है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ में जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्या चेंज हो सकता है। तो मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज तो यही है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग डायग्राम और मैप की प्रैक्टिस करके रखें। खास तौर पर जो पहले 3 एग्जाम है, जैसे 3 को है, 8 को है और जो 17 को एग्जाम होने वाला है, इन तीनों में डायग्राम या मैप आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये भी चीज हो सकती है कि एक बार उन्होंने डायग्राम दे दिया तो हो सकता है लगा 2 या 3 एग्जाम में डायग्राम या मैप ही चलते रहे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है आईएलएस अगर एक बार कोई चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है तो वो लगातार 1-2 मंथ फिर ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने बोला था आपको आज से 3-4 मंथ पहले क्या हो रहा था, पहले जो एग्जाम होता था खास तौर पर जो मंथ का पहला एग्जाम होता था उसमें डायग्राम और मैप ही दे रहे थे, लेकिन पिछले मंथ से ट्रेंड चेंज हुआ है तो लगातार 3 आपको पाई चार्ट देखने को मिले हैं। इस बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन का भी कुछ ना कुछ आधार होता है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बना दो आप लोग। तो डायग्राम और मैप की जरूर आप लोग प्रैक्टिस करके रखें, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे बोला कि कंपैरेटिव चार्ट आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कि कंपैरेटिव चार्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपैरेटिव चार्ट खास तौर पर जो फ्यूचर को लेकर कंपैरेटिव चार्ट होते हैं, जैसे जो 4 जुलाई वाला एग्जाम था उसमें आया था, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फ्यूचर वाला, आपको दोबारा से वो फ्यूचर वाले या फिर कंपैरेटिव चार्ट जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो कंपैरेटिव चार्ट के ऊपर फोकस करें। बाकी ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करी है, कहीं से भी याद है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमारी प्रेडिक्शन में से बहुत सारी चीजें रिपीट भी होती रहती हैं। अब अगर हम बात करें राइटिंग टास्क 2 की, तो जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट के साथ एक रीजन वाला ऐसे होता है, आप लोग एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप आपको 1-2 एग्जाम में देखने को मिल सकती है। बाकी एग्री डिसएग्री रीजन सॉल्यूशन वाले ऐसे या फिर डिस्कस बूथ पॉइंट वाले वो तो सदाबहार होते, वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज की। जनरली स्टूडेंट आपने देखा होगा स्पीकिंग के क्यू कार्ड जो होते हैं सितंबर मंथ में स्टार्ट होते हैं चेंज होना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, चेंज होना स्टार्ट हो चुके, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी कुछ नए क्यू कार्ड ऐड हो गए हैं। देखिए, ये स्मॉल स्टोर वाला क्यू कार्ड आ गया है कि कोई स्मॉल स्टोर के बारे में बताइए जहां से आप चीजें लेना अच्छा आपको लगता है, फिर उसके बाद ये टैलेंटेड पर्सन के बारे में बताएं, वही क्यू कार्ड है, उनको मोल्ड कर करके चेंज करना उन्होंने शुरू कर भी दिया है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं उनको ये सारे अपडेटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्यू कार्ड वाला अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्यू कार्ड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी साथ साथ में प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। तो जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग के पैटर्न के बारे में भी बता देता हूं। स्टूडेंट देखिए, जुलाई मंथ में आप लोगों ने नोटिस किया होगा सारे के सारे एग्जाम बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न में देखने को मिले। स्टैंडर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पैसे इजी, सेकंड पैसे मॉडरेट, थर्ड वाला मॉडरेट से डिफिकल्ट, ये तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। चारों के चारों एग्जाम में बिल्कुल ऐसा एग्जाम देखने को मिला, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा या कुछ इधर उधर हुआ हो। लेकिन आने वाले टाइम में जो भी अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़े से अनयूजुअल पैटर्न की भी जरूर प्रैक्टिस करके रखें। अनयूजुअल पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट वाला पैसेज है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी होगा,
सेकंड वाला मॉडरेट होगा, थर्ड वाला इजी होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न आने वाला है, मतलब टोटल पांच एग्जाम होने वाले, पांच में से तीन एग्जाम में स्टैंडर्ड पैटर्न ही आएगा, दो एग्जाम ऐसे हो सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट पैसेज होता है उसके थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो थोड़े से अनयूजुअल टाइप के दे देते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले दे दिए। जनरली स्टार्टिंग में आपको पता ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये हो सकता है, तो इसके लिए आप जरूर प्रिपेयर करें। और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप लोग रियल एग्जाम टेस्ट से ही अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि वहाँ से एग्जाम रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे भी बहुत सारे पैसेजेस पिछले दो मंथ में, तीन मंथ में रिपीट हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए प्रेडिक्शन वगैरह तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, सारी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।